नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। इस बुलेटिन में बात देवभूमि की होगी। आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। इस अवसर पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता है। तो आइए देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पोस्ट में लिखा है, देश के पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद और विचारक, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर शासकीय आवास पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि के बाद आगे लिखा है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्य सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत याद रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक बड़ी मांग की है। उन्होंने सभी सांसदों से संसद में उत्तराखंड के पूरे पर्वतीय क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाने के लिए कहा है। दरअसल राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में पैन खड़ा के लोगों को प्रदेश में जो आरक्षण का दर्जा मिला है उसी के तहत केंद्र में भी आरक्षण दी जाने वाली बात कही है, जिसको लेकर गणेश गोदियाल ने महेंद्र भट्ट का आभार भी व्यक्त किया है। वहीं कांग्रेस नेता ने साफ कहा है कि अगर सांसद इस मांग को सदन में उठाते हैं तो कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर मानक तय है, संविधान में इसका उल्लेख भी किया गया है, उन मानकों के बाहर कोई निर्णय नहीं हो सकता। उत्तराखंड का पहाड़ी भूभाग, पहाड़ की, उत्तराखंड के पूरे पहाड़ी क्षेत्र की इस आवाज को संसद में उठाऊंगा, इस मांग को संसद में उठाऊंगा कि ये स्टेटस पूरे पहाड़ को मिलना चाहिए, पूरे उत्तराखंड को मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं वो सौभाग्यशाली साबित नहीं हुआ कि मैं इस आवाज को ले जाकर संसद में पहुंच सकूं, लेकिन ठीक है, हमारे जो भाई लोग वहां पर गए हैं, दल अलग बात है कि वो अलग दलों के हैं, लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं, मैं उन सब लोकसभा के सदस्यों से ये मांग करता हूं कि वो एक होकर पुरजोर तरीके से पूरे पहाड़ी क्षेत्र को, उत्तराखंड के पूरे पहाड़ी क्षेत्र को ये ओबीसी स्टेटस दिलाने में, केंद्र के स्तर पर केंद्र से ओबीसी स्टेटस दिलाने में वो एक मांग उठाएं, सहयोग करें। और हम कांग्रेस जन बिल्कुल निसंदेह राजनीति को परे रखकर उनकी इस मांग में शरीक होंगे, उनकी इस बात को बल देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो कृपया माननीय भट्ट जी, आप सिर्फ पैनखंडा तक सीमित न रहिए, पूरे राज्य आपके हाथ में है और माननीय सदस्यों से भी मेरी यही अपील है। ओबीसी के विषय को लेकर मानक तय है, संविधान में उल्लेखित है, उन मानकों से बाहर कोई निर्णय हो नहीं सकता। राज्य सरकारें किसी क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित करती है, कुछ जाति को ओबीसी घोषित करती है, उसके बाद ही केंद्र निर्णय करता है। जहां तक पैनखंडा क्षेत्र का विषय, मैंने राजस्थान विषय को उठाया। बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रुड़की पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने की अपील की है। साथ ही कहा है कि हम सभी को अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करना होगा। विश्व की नंबर एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का नेता विश्व का नंबर एक नेता है नरेंद्र मोदी। विश्व के अंदर अगर कोई घटना घटती है तो पूरे विश्व का रुख मोदी जी की तरफ होता है कि मोदी जी का क्या रिएक्शन है, उसके हिसाब से लोग अपना रुख तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां पर समय से सस्ता अभियान होता है, चुनाव होते हैं। इस पार्टी में एक साधारण सा व्यक्ति, चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इस पार्टी में एक एपी का साधारण कार्यकर्ता जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इस पार्टी में एक एपी का छोटा सा कार्यकर्ता पुष्कर सिंह धामी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। इस पार्टी में मेरे जैसा फौज का सिपाही, जिसको जिसके पूरा परिवार फौज में था, जिसको राजनीति की एबीसीडी नहीं आती थी, वो चार बार विधायक और तीन बार मंत्री पद की शपथ ले सकता है।
यह इस पार्टी की विशेषता है। अगर आपने देखें अन्य पार्टियां परिवारवादी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दोबारा सदस्यता अभियान चालू किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को सदस्य बनाकर इसका शुभारंभ किया। आज इसी के अंतर्गत हमारे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी यहाँ आए थे और अपने हमारे निवास पे उनका आगमन हुआ, उनका भव्य स्वागत हुआ और पूरे कार्यकर्ताओं में जोश भर गया और इतना जोश हुआ है कि मेरे ख्याल से अब की बार जो है वो इतने ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे कि अगर वो किसी की जरूरत ही नहीं होगी, वही वोटिंग हो जाएगी तो वो उतना ही जो है पूरे सीटें जीतने के लिए पर्याप्त होंगी। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान कार्यक्रम की हरिद्वार जिले में भी लॉन्चिंग हो गई है। हरिद्वार के जगती जितपुर में बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जिले के पहले सदस्य बने हैं और इसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई गई है। बता दें कि बीजेपी इन दिनों सदस्यता अभियान चला रही है जिसमें पुराने सदस्यों के नवीनीकरण के साथ नए सदस्य भी जोड़े जा रहे हैं। सदस्यता अभियान के माध्यम से हम तमाम नए वर्गों के बीच जाते हैं। कुछ इस दौरान जो पार्टी की सदस्यता के पात्रता के योग्य हो जाते हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, कोई 15, 16, 17 साल का बच्चा है तो कम से कम आयु 18 साल होना चाहिए। यानी तमाम लोगों से बातचीत करके और पार्टी के बारे में भी उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं। अगर किसी के मन में कोई दुविधा है तो कार्यकर्ता जब उनके पास जाकर के उनको मेंबर बनाता है तो इन सारी चीज़ों को भी सुनकर आता है। फिर कई बार स्थानीय कुछ समस्याएं होती है, उन समस्याओं से भी कार्यकर्ता रूबरू होता है, कार्यकर्ता का अनुभव बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है और नए लोग पार्टी से जोड़ते हैं। कांग्रेस अपनी केदारनाथ यात्रा दोबारा शुरू करने जा रही है। इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बताया है कि हम केदारनाथ क्षेत्र के प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं। जैसे ही केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग बन जाएगा वैसे ही हम अपनी स्थगित की हुई यात्रा को दोबारा से शुरू करेंगे। वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अभी केदारनाथ धाम की आपदा खत्म नहीं हुई है, ऐसा ना हो कि कांग्रेस अपनी यात्रा शुरू करके फिर से नई आपदा को जन्म दे दे। भूल में परिवर्तित होंगी और वहां का प्रशासन से हम लोग संपर्क में हैं। जैसे ही मार्ग बन जाएगा पैदल मार्ग, क्योंकि पैदल जाके ही जल चढ़ाने की बात हम लोग ने संकल्प लिया है, तो हम इसको दोबारा से जहां हमने इसका इसको रोका था, स्थगित किया था, वहीं से आगे की यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। और मुझे लगता है 10, 11, 12 में से कोई डेट ऐसी निकलेगी तब तक मुझे लगता है कि मार्ग जाने लायक शायद बन जाएगा और हम इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। केदारनाथ की आपदा खत्म हुई है, नई आपदा कौन न्योतानाथ है, ईश्वर भी देख रहा है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी हल्द्वानी से आ रही है। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। व्यापारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, मामले में यथास्थिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। प्रशासन ने 101 नोटिस जारी किए हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए जारी किए थे 101 नोटिस। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण का ये पूरा मामला है। व्यापारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बताते चले कि 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है और प्रशासन की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मामले में यथास्थिति बनाने के गंभीर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इसके तहत कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को सचिव सीएम की जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं अब हरीश चंद्र सिमवाल नए अबकारी आयुक्त होंगे। वहीं डीएम सोनिका के स्थान पर सविन बंसल को देहरादून का डीएम बनाया गया है। धीराज सिंह गुरब्याल की जगह कमेंद्र सिंह को हरिद्वार की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
स्वच्छ टून सुंदर टून को बनाए रखने के लिए नगर निगम देहरादून ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बार बार जागरूक करने और चेतावनी देने के बावजूद भी कई लोग जगह जगह कूड़ा फेंक रहे हैं। ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए निगम की ओर से जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया है कि खुले में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सीसीटीवी लगाए गए। हम लोगों ने जब से बिग थ्री सिटी किया है 31 जनवरी 2024 से, उसके पश्चात ये देखा गया कि लोगों के द्वारा जो है उन स्थानों पे जो है बार बार जो है अपना जो है अपशिष्ट जो है वहीं निस्तारित किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए पहले लोगों को आईसी की दी गई, फिर उसके बाद कई और माध्यमों से भी जागरूक करने की कोशिश की गई, परंतु नियमित रूप से जो है वहाँ पर अपशिष्ट फेंका जा रहा था जिस कारण से शहर में गंदगी फैली हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए जो है सीसीटीवी जो है अभी 10 स्थानों पर चिन्हित करके लगाए गए हैं और उन सभी स्थानों पर जो है सफलतापूर्वक जो है निगरानी की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है तथा अपशिष्ट जो है अब सीधे सीधे कूड़ा वाहनों में लोग दे रहे हैं, जिससे कि काफ़ी हम लोगों ने कंट्रोल किया है उन स्थानों को, जैसे नेशविला रोड, राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स, हमारे डिस्पेंसरी रोड पर, साथ ही साथ माता मंदिर रोड, राखी नर्सरी, शास्त्री नगर, अपना नाला पानी चौक, तो इस तरीके से जो है कई जगहों पे हम लोगों ने अभी तक सफलता प्राप्त की। देहरादून में डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने की संभावना को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। इस बात को लेकर देहरादून के एसीएमओ और डेंगू के नोडल अधिकारी डॉक्टर सीएम रावत ने कहा है कि पिछले साल हमने डेंगू का अभियान चलाया गया है, महीने से शुरू किया गया था, लेकिन इस बार हमने अप्रैल महीने से ही अपना अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही क्या कुछ कहा है सुनिए। लास्ट ईयर जैसे कि इस साल हमने जो है लास्ट ईयर थोड़ा हमारा कार्यक्रम जुलाई से शुरू हुआ था, इस बार ही हमने अप्रैल से शुरू किया था। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने जो है अप्रैल से ही पिछले साल का डेटा लेके जहां जहां पे हम लोगों के पास में 5 से ज्यादा केसेस मिले थे उनको हमने हॉटस्पॉट माना है और वहां पे जो है हमने अपने सर्विलांस टीम को लगा दिया था। जुलाई से हमने जो है पूरा विधिवत ये लार्वी साइडल और इसको लार्वा को नष्ट करने का कार्यक्रम चालू किया है। अभी हमारे पास में 15 जुलाई से जो है वॉलंटियर्स भी 100 वार्डों में जो है 100 वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं, हमारी आशाएं भी काम कर रही हैं और तो उनको भी हमने लगा रखा है, जिस वजह से जो है हम इस बारी इसको रोकने में सक्षम रहे। हरिद्वार में बालाजी ज्वेलर्स डकैती कांड की घटना स्थल को डीजीपी अभिनव कुमार ने निरीक्षण किया है। डीजीपी ने डाम कोठी में जिले के सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों के साथ जिले की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है। डीजीपी ने अधीनस्थों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के साथ ही अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए हैं। ये जो घटना हुई है रविवार को, ये निश्चित रूप से इस साल की सबसे बड़ी आपराधिक घटनाओं में से एक है। ये जो हरिद्वार में जो डकैती पड़ी है और इसको हम लोग बहुत एक चुनौती के रूप में बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्वयं शाम को इस बारे में एक मीटिंग ली, जिससे मैं भी वीसी के माध्यम से दिल्ली से जुड़ा था और उसमें उन्होंने इस घटना के बारे में अपनी चिंता प्रकट की और हम लोगों से इसमें जो कार्रवाई चल रही थी उसके बारे में जानकारी मांगी। अब चूंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से इसके बारे में अभी तक जो हमको सुराग मिले हैं उनके बारे में मेरे को जानकारी देना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी उत्तराखंड सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पूरा पुलिस विभाग इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहा है और विशेष रूप से पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और हमारे जनपद हरिद्वार की पुलिस के लिए ये चुनौती है। विकासनगर के प्रेमनगर नदी में मछली पकड़ने उतरे दो लोगों की जान उस वक्त आफत में आ गई जब नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आ गया। गनीमत ये रही कि समय रहते एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर पानी की तेज बहाव के बीच फंसे दोनों लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया। रुद्रप्रयाग जिले में अंकित राज के चयनित होने पर खुशी की लहर छाई हुई। अंकित राज यूके पीएससी 2021 में 9वां रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो गए हैं। इससे पहले अंकित राज समीक्षा अधिकारी के पद पर भी तैनात थे।
सबसे पहले तो जो मेरी सक्सेस है मैं उसको ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरी उत्तराखंड है, मैं उत्तराखंड का जितना भी मेरे से हो पाएगा उसमें अपना सहयोग कर पाऊंगा। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, जो भी प्रशासन से रिलेटेड जितना भी वर्क होगा, मैं अपनी सत्यनिष्ठता से और निष्पक्षता से काम करूंगा और जो पहाड़ की समस्याएं हैं उनको सुलझाने का काम करूंगा। तो यही संदेश देना चाहूंगा कि जितने भी आप मेहनत कर सकते हैं मेहनत करिए, जो आपके घर वालों ने आपके लिए जितने भी रिसोर्सेज जुटाए हैं उन रिसोर्सेज का आप सही इस्तेमाल कीजिएगा और फोकस से पढ़ाई कीजिएगा डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आजकल मेंटल हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, तो आप सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ, फिर उसके बाद फिजिकल हेल्थ और लास्ट में मैं जो मेंटल हेल्थ जो लास्ट में मैं बोलूँगा कि जो आप पढ़ाई है ये बात की बातें हैं, बट सबसे पहले अपनी जो मेंटल हेल्थ होती है या जो फिजिकल हेल्थ होती है उसको सबसे इम्पोर्टेंट अपनी वरीयता दीजिए उस चीज़ को। कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानता हूँ कि जो परसिवरेंस होता है, जो निरंतरता होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, वो सबसे बड़ी सफलता का एक कारण होती है। अगर आप टैलेंटेड हो, एक इंग्लिश में कहावत है, व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क, तो टैलेंट्स होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना लगातार आपको निरंतरता से प्रयास करना और अपनी उस गोल तक पहुँचना जिसको आप चाहते हैं। गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ऐसे गुरु हैं आप सब लोग और सच में आज का दिवस वास्तव में हम सबको बड़ा प्रेरणा देने वाला भी है, क्योंकि जिन शिक्षकों को आज हमारे धन सिंह जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, उर्दू से शुरू करके संस्कृत पर हमारा इति संता बोलते हैं, भरबोला जी क्या बोलते हैं है? इति संता है? क्या होता है इति श्री? ठीक है, तो चाहे कोई भी कालखंड रहा हो, चाहे हम रामायण कालखंड की बात करें, तो विश्वामित्र और श्री राम, और महाभारत की बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन इसके उदाहरण हैं। और सच में अच्छा इसलिए लग रहा है आप सबको सम्मानित करने में, क्योंकि मैं भी आप ही जैसे विद्यालयों में जो आप जिनको आप शिक्षा देते आए हैं, ऐसे ही विद्यालयों में हम लोगों ने भी अपना प्रारंभिक कालखंड शिक्षा अध्ययन में लगाया है या शिक्षा प्राप्त की है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज के अवसर पर गुरु का कार्य केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना तथा उसमें अनुशासन और समाज के प्रति जो एक कर्तव्य की भावना है उसको जागृत करना भी है। क्योंकि आज जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता हो गई है, नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है, जो तमाम आज ऐसे मूल्य जो धीरे धीरे न्यून हो रहे हैं, उन सभी को पुनः स्थापित करने की भी जिम्मेदारी हम सब की है। और सच में जो आज इस सभागार में जिनको आदरणीय महामहिम जी ने और हम लोगों ने सम्मानित किया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है हमारी शिक्षकों की और उसमें से आज कितने 19 लोगों को ही यहाँ पर सम्मान हो रहा है, तो आप स्वयं में बहुत विशिष्ट हैं। और वैसे तो हर एक शिक्षक जो भी अपने स्थान पर शिक्षा देने का काम करते हैं उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन आप सब लोग शिक्षकों में भी जिनको आज ये उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो सारे के सारे हमारे इस शिक्षकों में भी उनके प्रतिनिधि भी हैं, आप उनकी क्रीम हैं। अगर मैं क्रीम कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी ना, जैसे वो हम जो है जब क्या मिला। मैं सबसे पहले